कैसे होंगे। अच्छा आज जो है वो हम निकले हैं और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते थे कि भाई आप क्रोलस उस्मान जो ड्रामा जो अर्तुल गाजी ड्रामा जो शूट हुआ है आप उसकी लोकेशन पे जाके वीडियो बनाएं, वो रीवा में है। तो मैंने बोला कि आज शावर भाई हमारे साथ हैं और आज हम जो है वो रीवा की तरफ चलते हैं। अब वहाँ पे तो खैर ऑब्वियसली अंदर जाने की तो परमिशन नहीं होती, लेकिन मैंने बोला कि चलें जाके एक्सपीरियंस करके आते हैं कि क्या सीन है। जितना हो सका अगर कुछ दूर से शूट करने वाला हुआ या कोई भी पॉसिबिलिटी हुई तो अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि भाई कौन सा इलाका है, इस्तांबुल से कितना दूर है। तो हम इस्तांबुल से निकले, तकरीबन हमें जो है वो आधा घंटा हुआ है और शावर भाई के साथ हैं गाड़ी में। शावर भाई ज़रा बताएं कि हम किस एरिया में जा रहे हैं और कितनी देर का रास्ता है। ये इस्तांबुल के एशियन साइड पर अनादोलु यकस जो है उसमें ब्लैक सी के साथ ये रीजन लगता है। बेकोज नाम है इलाके का और उसके अंदर जो छोटा गाँव रीवा नाम का गाँव, ये नया डेवलप किया गया, ये कोई गाँव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था या छोटा सा कोई पुराना गाँव होगा, लेकिन अब जो है ये उस्मान की वजह से, कुल्लुश उस्मान की वजह से रीवा को एक ख़ास वो दे दी गई है, शेप दे दी गई है, वहाँ के सेट वगैरह लगाए गए हैं। तो वो बेकोस जो है वो असल में अभी बहुत यानी कम आबादी का इलाका है, अभी डेवलप हो रहा है नया, वहाँ पर विलास वगैरह लोग खरीद रहे हैं। तो ये हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि समंदर किनारे ब्लैक सी के किनारे ये जगह जो है ये किस तरह से हमें मिलती है। एक हाईवे है ये इनके बड़े पुल से आ रही है, जो तीन बड़े पुल इसके ऊपर बॉस्फोरस के ऊपर है वहाँ से। और अभी अगर आप इसके ऊपर देखें नेविगेशन पे तो दाएं बाएं हमारे जंगल ही जंगल चल रहा था, हमारे दाएं बाएं जो सिर्फ दरख्त हैं और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हमारा इस्तांबुल के जो आबादी है उससे तो हम ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं और अभी भी हमें आधा किलोमीटर इस जंगल के अंदर ही चलना है। उसके बाद हम इस रीवा पे पहुँचेंगे और फिर जो है वो वहाँ से नज़ारा करेंगे ब्लैक सी का। भाई जब सफर चल ही रहा है तो साथ साथ आपके साथ कुछ बातें पूछते हैं। व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लास्ट टाइम जब मैं तुर्की आया था तो भाई बड़ा पूछते थे कि शावर भाई की जो टर्किश लैंग्वेज है वो बड़ी परफेक्ट है, तो बताएं जरा कि कितने टाइम में सीखी आपने ये लैंग्वेज टर्किश। मुझे तो अब 3 साल हो चुके हैं, तो अब की मेरी जो टर्किश का स्टेटस है वो जाहिर है उसमें तो आपको गिनना पड़ेगा कि ये 3 साल की टर्किश है। लेकिन अगर अंदाज़ा किया जाए कि कितने देर में सीखा जा सकता है, तो अगर एक आदमी टर्की के अंदर रह रहा है, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप पाकिस्तान में रह के सीखना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा स्लो होगा, और टर्की के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो चूंकि आपकी एनवायरनमेंट है ही सारी टर्किश है, आपने सारी कम्युनिकेशन टर्किश में ही करनी है, तो यहाँ थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तो टर्की के एनवायरनमेंट में 3 महीने अगर आप अच्छे स्कूलिंग कर रहे हैं, आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, अपने लॉज अपने जो रूल्स होते हैं लैंग्वेज के उसको सीधा कर रहे हैं, तो 3 महीने आपको स्ट्रीट लैंग्वेज सीखने के लिए और 1 साल आपको अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए। यानी 1 साल के बाद तो मैंने PhD शुरू कर दी थी टर्किश में। अच्छा वैसे लैंग्वेज जो है वो लोग कुछ लोग समझते हैं कि मुश्किल लैंग्वेज भी है, तो ये क्या मुश्किल लैंग्वेज है, आसान है, कितना ईजिली बंदा सीख सकता है? वैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि जैसे आप यहाँ आ जाएँ अगर तुर्की के अंदर तो सुन सुन कर और बोल बोल कर प्रैक्टिस करके इतना मुश्किल नहीं लगता, अलबत्ता पाकिस्तान से वाकई मुश्किल नज़र आता है, ऐसे लगता है कि ये करना काफ़ी मुश्किल होगा। जो शावर की जो टर्किश है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये शावर भाई सिर्फ टर्किश बोलते हैं, नहीं, मुझे जो ज़्यादा पसंद है ना वो उनका तलफ़ुज़ है, मतलब वो बाकायदा जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना उसको फॉलो करते हैं, तो ये इसलिए जो है ना मुझे अभी तक मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों से मिला हूँ सबसे ज़्यादा जो टर्किश फाइन है ना वो शावर भाई की लगती है। और प्लस एक और प्लस पॉइंट इनके पास ये है कि जो इनकी नॉलेज है, जो हिस्ट्री के हवाले से इनकी नॉलेज है और तुर्की के हवाले से जो इनके पास नॉलेज है ना वो बड़ी औसम है। शावर भाई तो लोग तो बहुत चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना लें। इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। तो अगर शावर भाई बना लेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा चैनल इनका क्या है। ये देखें जी, ये है रीवा और रीवा में अब जो है वो हम एंटर होंगे थोड़ी देर में। खुला है गैल्सिन कुल्लो शोस्मा नेर दे चकली हो रहे Buradan girdiğin can. Tamam. O askeriye yolu var ya. Tamam. O aradan giriyorsun işte. Bak şimdi yol görünüyor zaten. Şu nereden? Tamam. Federasyonun biraz ilerisinde var ya. Federasyonun biraz ilerisinden giriyorsun. İlerisinde sağa. Sağ taraftan. Tamam. Teşekkür ederim. Şey değil. Tamam. तो ये शावर भाई पूछ रहे थे कि सेट किधर है क्रोलस उस्मान का। हम लोग रीवा में आ गए और ये शावर भाई बता रहे हैं ये ब्लैक सी है जो साथ में आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सी। हाँ, ये ब्लैक सी। अगर यहाँ से आप तैरना शुरू करेंगे तो आप रशिया से निकलेंगे जाके। अच्छा, इसके राइट साइड पे अब हमारे रशिया है और अच्छा। लेफ्ट साइड पे हमारे यूक्रेन है। अच्छा, ये ब्लैक सी है, यहाँ से जो ईस्टर्न यूरोप का इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ से गुजरता है। अच्छा।
इस्तांबुल के बॉस्फोरस के अंदर से पास होके तो ब्लैक सी में आ जाता है, और ब्लैक सी में इस तरफ को जो भी चीजें आ रही हैं वो सब जो है रशिया को जा रही हैं, और उस तरफ को सब चीजें यूक्रेन को जा रही हैं। या कुरुलो सुस्मानी चेकलिश नेर दे Karşı tarafta federasyon oradan giriliş var. Ha, federasyondan. Köprüden gidiyorsun, federasyon oradan doğru o tarafta. Sağa doğru. Aynen. Teşekkür ederim. Sayın. Acaba dekin ye jo mountains hain aur ye jo rasta ja raha hai na, ye jo andar ja raha hai. ये जाता है अंदर जिस जहाँ पे अर्तुल गाजी ड्रामा और क्रिलो सुस्मान ड्रामा जो है वो शूट हुआ है पूरा। ये जो सारा आपको जो है वो नजर आ रहा है ग्रीनरी, और इसकी बैक साइड पे पूरा सेट लगा हुआ है। यहाँ से भी गाड़ी से उतरे हैं और अनफॉर्चुनेटली अंदर नहीं जा सके। अच्छा, मुझे यहाँ पे आने से पहले ऐसा लगा था कि हो सकता है कि बाहर से कुछ उसका जो है वो हम सीन ले सकें, क्योंकि ये तो मुझे डेफिनेटली पता था कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रेट होते हैं, और इसके अलावा जो है वो आर्मी का एरिया है। मतलब साथ में हम दूसरे वाले गेट से पहले हम एंटर हो गए थे तो वो आर्मी का एरिया था और फॉरबिडन जोन था। खैर, वहाँ पे उन्होंने गाइड किया कि उसका रास्ता बराबर में से, तो फिर हम बराबर वाले रास्ते पे जब गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी सख्ती से मना है अंदर जाने की परमिशन। वो जो आप देख रहे हैं उसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो पूरा सेट है। ये जो सामने आप ग्रीनरी देख रहे हैं इसकी बैक साइड के ऊपर पूरा सेट है, और ये ब्लैक सी है। यहाँ पे भी एक जो है वो पुराना किला बना हुआ है। तुर्की में किले आपको हर जगह मिलेंगे। अब हम यहाँ सामने से कुछ जो है वो लेके खाते हैं, सोच रहे हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं इस्तांबुल वापस। रीवा आए थे ताकि आप लोगों को दिखाएं कि ये इस्तांबुल से कितना दूर है और कहाँ पे क्रिलोस उस्मान और अर्तुल गाजी ड्रामे की शूटिंग हुई है। ये है एक छोटा सा गांव और ब्लैक सी के साथ है, और यहीं पे जो है वो सारी शूटिंग हुई है। तो अंदर नहीं जा सके, कोई मसला नहीं। अब हम जाते हैं, टाइम है आज हमारे पास तकरीबन, अभी तो जोहर का टाइम हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो इन्जॉय करें। मीनवाइल हम जाते हैं कहीं और, आज कोई और स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे इस्तांबुल में, और उसकी आप लोगों को जो है वो वीडियो बना के देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।